दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी धुन के ऊपर आप न्यू म्यूजिक ट्रैक कैसे कंपोज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एक न्यू प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और इसका जो मेलोडी मैंने किया हूँ, कैसे किया हूँ, कौन कौन से प्लगइन्स लगाया हूँ और मैंने इसका मेलोडी कैसे बनाया हूँ, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और इसका जो मिक्सिंग मास्टरिंग किया हूँ और कौन कौन सा प्लगइन्स यूज किया हूँ, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे नीचे मेरे पास एक जो मेरा खुद का यहाँ पे एक धुन तैयार किया हूँ और इस धुन के ऊपर पूरा एक म्यूजिक ट्रैक को कंपोज किया हूँ। इसका मेलोडी मैंने खुद बनाया हूँ और कोड वेस सब कुछ यहाँ पे डाला हूँ। कैसे बनाया हूँ अगर आप जानना चाहते हो तो सिर्फ 5 मिनट के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको म्यूजिक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तब भी आप बिना सीखे ही म्यूजिक कंपोज कर सकते हो। दोस्तों, मुझको भी म्यूजिक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मैंने इस सॉन्ग को कंपोज किया। तो चलिए हम आपको इसको थोड़ा सा सुनाते हैं, इसका जो बीट, जो इसका म्यूजिक कंपोज किया हूँ, सिर्फ थोड़ा सा सुनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने इसको बनाया हूँ और कौन कौन से प्लगिन से इसका मैंने मेलोडी किया हूँ। तो ये शुरू का इस धुन के ऊपर मैंने पूरा यहाँ पे गाने को तैयार किया हूँ और जो 12 पैटर्न का यहाँ पे मेलोडी चलता है, मैंने यहाँ पे मेलोडी तैयार किया और उसके बाद में आपका फर्स्ट यहाँ पे मुखड़ा चलेगा। और ये जब मुखड़ा आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपका यहाँ पे जो अंतरा चलेगा, तो अंतरा गाने के पहले ही आपका ये मेलोडी चलता है 12 पैटर्न के। तो फिर उसके बाद में सिंगर यहाँ से गाना स्टार्ट करता है। तो इसका भी मेलोडी यहाँ पे सुनिए कि किस धुन के ऊपर ये बना हुआ है। यहाँ से फिर सिंगर अपना नेक्स्ट धुन यहाँ पे तैयार कर दिया। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया हूँ कोई भी धुन, तो यहाँ पे सिंगर ही गाएगा। और यहाँ पे कोडिंग भी मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लगा तो मैंने कोडिंग भी यूज किया इसमें। और उसके बाद में जब सिंगर यहाँ से गा लेगा फर्स्ट वाला इसका अंतरा, फिर ये आपका सेकेंड अंतरा के पहले का ये मेलोडी यहाँ पे चलेगा। तो ये भी एक न्यू धुन पे बना हुआ है। तो आपने इसका जो मेलोडी है आपने सुन लिया, इसके धुन को भी आप सुन लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे इसके रिदम की बात। तो जो रिदम है, मिक्स रिदम ट्रैक से मैंने यहाँ पे काट करके इसको बनाया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, छोटा सा यहाँ पे कट चलता है, कट करने के बाद में ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे रिदम चेंज हो जाता है। और रिदम के साथ में आपका मेलोडी भी यहाँ पे चेंज होता है। और फिर उसके बाद में आपका ये वाला रिदम यहाँ से चलेगा, फिर कट हो जाएगा। हाँ
ये आपका रिदम हो गया। फिर रिदम के बाद यहाँ पे अगर हम फर्स्ट मेलोडी की बात करते हैं, तो इसका जो मेलोडी बना हुआ है वो मैंने कॉन्टेक्ट 5 के प्लगइन से बनाया है, ओ वी एट सिंस। एक इसका जो इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है, इंस्ट्रूमेंट जो BST है, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसी के प्रेसेट से मैंने यहाँ पे बनाया हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे इसके अंदर साउंड्स होते हैं। और इसका जो धुन है, ये मैंने D माइनर स्केल पे इसके धुन को मैंने यहाँ पे बनाया हूँ। फिर ये चेंज हो जाता है, फिर यहाँ से चलता है आपका, तो ये आपका धुन चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर इसके हम कॉर्ड्स की बात करें, तो इसमें कॉर्ड्स आपका चलता है। कॉर्ड्स मैंने सिंपल इसके बना दिया हूँ। ये मैंने नेक्सस प्लगइन से बनाया हूँ और हर बीट पे मैंने इसको रखा हूँ। नेक्सस प्लगइन है, आप इसका प्रेसेट यहाँ पे देख सकते हैं। एम्बियंस पैड 1 यूज किया हूँ। और फिर उसके बाद में इसके साथ में चलता है आपका सब बेस, जो एक रिदम के साथ में जब चलेगा तो आपका वोकल और रिदम काफ़ी भरा भरा सा लगता है, रूखा रूखा सा नहीं लगता है। और फिर उसके बाद में ये आपका इफेक्ट है, यहाँ से इफेक्ट है, शंख का आवाज़ है यहाँ से शुरू का। और मेलोडी आप बना सकते हैं यहाँ से स्केल के ऊपर, स्केल अगर आपको याद है, और तो उस स्केल के ऊपर आप पूरे जो नोट्स आते हैं स्केल के ऊपर, डी स्केल के ऊपर, जो D माइनर स्केल पे मैंने इसका मेलोडी यहाँ पे तैयार किया हूँ, आप यहाँ पे सुन सकते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने एक छोटा सा यहाँ पे म्यूजिक पॉड लिया हूँ कट करके। दा 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 रे दा रे दा 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 रे दा रे दा। अब ये जो मैंने बनाया हूँ यहाँ से BST है, यहाँ पे देख सकते हैं BST काफ़ी अच्छा प्लगइन्स है। और इसके अंदर बहुत सारे आपको प्रेसेट मिल जाते हैं। ये लास्ट वाला मैंने प्रेसेट यूज किया हूँ, काफ़ी इसका जो साउंड्स है काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद में मैंने ये प्योरिटी से बनाया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सिंथ इंस्ट्रिंग 3 मैंने प्लगइन्स प्रेसेट का यूज किया हूँ। इसका साउंड कुछ इस तरह से आता है। दा 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 रे दा। ये कुछ इस तरह से बजेगा। फिर ये वाला जो है, और इसका जो बीट यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो धुन है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में यहाँ से आएंगे, आपका ये वाला मेलोडी चलता है। अब यहाँ पे जो मेलोडी मैंने बनाया हूँ ये भी यहाँ पे D माइनर स्केल पे ही है, यानी कि जो फर्स्ट इसका नोट है D है इसका। और ये भी मैंने यहाँ पे जो सेकंड वाला है, ये भी मैंने कॉन्टेक्ट 5 से MP3 सेक्स जो आता है इसका प्रेसेट, वो मैंने यू बनाया हूँ। ये वाला जो इसका धुन है, और फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा ये वाला धुन, ये मैंने यहाँ पे BST से बनाया। काफ़ी अच्छा प्लगइन से, इसका यूज करके आप किसी भी गाने का मेलोडी बना सकते हो। तो सब यही प्लगइन्स हैं इसके। और फिर उसके बाद में लास्ट वाला है जो इसका धुन है, दा
दोस्तों, अगर आप किसी भी स्केल के ऊपर अगर आप गाना बना रहे हैं, जैसे कि अगर आपको धुन पता है कि जो धुन है आपकी एफ शार्प मेजर के ऊपर है, तो एफ शार्प मेजर के जितने भी नोट्स हैं उसके ऊपर आप मेलोडी बनाओगे तो आपका धुन ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएगा। उसके नोट्स आप ध्यान रखिए, बाकी इसके धुन आप यहाँ पे आइए, डिवाइस पे क्लिक करिए, यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करिए, तो आप बजा सकते हो इसको, इसके धुन को आप बजा सकते हो। जो आपको धुन अच्छे लगे उसको आप नोट्स के जरिए आप यहां से सजा सकते हो, आप इसका मेलोडी तैयार कर सकते हो पियानो की मदद से। आपके पास मिडी कीबोर्ड हो या मिडी कीबोर्ड ना हो तो आप उसके बिना ही आप किसी भी गाने का मेलोडी तैयार कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस गाने का यहाँ पर मेलोडी तैयार किया विदाउट मिडी कीबोर्ड के, तो मिडी कीबोर्ड नहीं है मेरे पास, फिर भी मैंने ये म्यूजिक कंपोज यहाँ पे कर दिया। और जब ये म्यूजिक पूरा यहाँ पे कंपोज हो चुका है, फर्स्ट यहाँ पे जो इसका मुखड़ा है ये वाला धुन केवल पता है, अभी मैंने गाना इस पे नहीं लिखा हूँ, इसका गाना भी लिखा जाएगा उसके बाद में इस पे गाया जाएगा, तो और भी अच्छा लगेगा। और इसमें भी जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट की जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं हम मिक्सर पे, मिक्सर पे आ गए, यहाँ पे इसका बैलेंस किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हमें रिदम का आवाज़, कोड का आवाज़, मेलोडी का आवाज़, जो कट वाला है यहाँ पे, पैड्स का आवाज़ और इफेक्ट का आवाज़ कितना रखना है वो मैंने यहाँ पे मिक्स किया हूँ, इसको इसके बैलेंस किया हूँ। और फिर उसके बाद में मास्टरिंग की बात करें तो मैसराटी GRP स्टूडियो इसका आता है प्लगइन्स, और ये मास्टर चैनल पर यहाँ पर सेट है, तो काफ़ी अच्छा प्लगइन्स है मास्टरिंग करने के लिए। उसके बाद में बी कंप्रेसर स्टीरियो प्लगइन्स का यूज़ किया हूँ, इसके जरिए मास्टरिंग काफ़ी अच्छे से होती है, और ये मैंने प्रेसेट यूज किया हूँ मास्टरिंग का। बाकी अपने हिसाब से इसके गेन लेवल को, कंप्रेस को, आउटपुट को, इनपुट को और इसके जो रेशियो को हो आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से सुन करके। बाकी मैंने यहाँ पे किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मास्टरिंग पूरा कम्प्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी गाने को बना सकते हो, न्यू सॉन्ग कंपोज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबा दीजिएगा।